हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। जैसे आपको इसका असिस्टेंट मैनेजर 2021-22 का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है, तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना स्कोर कार्ड बताने वाला हूँ कि मेरे कितने स्कोर आए हुए हैं रिटर्न प्लस इंटरव्यू। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ और कुछ छोटे बड़े अपडेट आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो जैसे कि आपको पता है, कल ही इसका स्कोर कार्ड आउट हो चुका था, बट मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट किया फिर भी मेरा स्कोर कार्ड दिख ही नहीं रहा था। उसका रीजन पता नहीं क्या था, गलती उनके तरफ से ही थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ फिर मैंने कैसे अपना स्कोर कार्ड देखा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप अभी अपना स्कोर कार्ड देखने जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले यहाँ पे जो है कैप्चा शो हो रहा था, बट अभी बिना कैप्चा का भी आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने रोल नंबर लिखा और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट मंथ ईयर लिखा, नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत टाइम तक ट्राई किया, नहीं आ रहा था। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने क्या किया कि ये जो डेट मंथ और ईयर है, मंथ डेट ईयर इस तरीके से लिखा। ठीक है, मंथ डेट ईयर, तब जाके मेरा स्कोर कार्ड शो हो गया। मतलब गलती उनके तरफ से ही है, मैं अपना रियल डेट ऑफ बर्थ लिख रहा था तो वो नहीं आ रहा था। मंथ को आगे कर रहा था और डेट को बीच में कर रहा था, तभी मेरा जो है स्कोर कार्ड शो हो रहा था। अभी हमारे एक व्यूवर है, इनका स्कोर कार्ड मैंने शो करवा के सेंड कर दिया है, सेम उसी प्रकार से शो हुआ था। सो इसके लिए सबसे पहले मंथ लिखना है आपको, फिर डेट लिखना है एंड देन ईयर लिखना है, आपका स्कोर कार्ड शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा कितना स्कोर आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना स्कोर कार्ड निकाल के रखा हुआ है। ये देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1, रोल नंबर हाइट कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम वगैरह सब कुछ हाइट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग में मुझे मिले हैं 60 में से 55, जनरल अवेयरनेस में मिले हैं 50 में से 21.25 और इंग्लिश में 30 में से 22.5, क्वांट में मुझे मिले हैं 60 में से 54.86। ठीक है, तो टोटल मुझे 153.61 मिला है आउट ऑफ 200। बात की जाए डिस्क्रिप्टिव एसे राइटिंग की तो 10 में से 5 मिले हैं और डिस्क्रिप्टिव लेटर राइटिंग 15 में से 10 मिले हैं। ठीक है, दोनों में मैंने जो है वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं किया था, बट लेटर राइटिंग मैंने पूरा का पूरा लिखा था लेकिन वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं किया था। सो ये मेरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ अगर आप चेक करोगे तो ये मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे इंटरव्यू में कितने मिले। सो किसी बंदे ने आरटीआई लगाया था जितने भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट है उनके फुल मार्क्स के ऊपर कि टोटल इंटरव्यू मिला के उनके कितने मार्क्स है। सो उसमें मेरा भी नंबर था तो मुझे टोटल जो है 35 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में। ठीक है, आउट ऑफ 50 जो कि 70% है, मुझे काफी अच्छा लगा इतने मार्क्स मुझे मिले 70% इंटरव्यू में। सो हालांकि अभी वेटिंग लिस्ट में है, पता नहीं कब क्लियर होगा या नहीं होगा, हम आगे की प्रिपरेशन करते रहेंगे, लेकिन इस साल इसको क्वालिफाई करने का मैं फुल ट्राई करूंगा कि मेरा क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 8 से 10 नंबर का फर्क है फाइनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। अगर मेरा रिटर्न में 10-15 नंबर आ जाता तो मेरा फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता। ओके फ्रेंड्स, यही आपको अपडेट देना था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।